अब आपको सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं जगदलपुर की, जहां पर आपको बता दें कि बीते दिन पहले ही हमारे 22 से ज्यादा जवान जो कि शहीद हुए थे नक्सली मुठभेड़ में, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और शहादत का बदला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 22 से ज्यादा जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इसी के साथ काफी ऐसे जवान हैं जो कि जख्मी हो गए थे, गंभीर अवस्था में अभी उनका इलाज चल रहा है। इसी के साथ जगदलपुर पहुंच चुके हैं, बीजापुर भी जाएंगे जहां पर यह मुठभेड़ हुई थी जवानों और नक्सलियों के बीच। अब इस बीच यहां पर नक्सलियों को खदेड़ने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे ही ये पूरी घटना सामने आई, जिसमें ये खबर सामने आई कि हमारे 22 जवान जो कि शहीद हुए, उसके बाद असम का दौरा रद्द करते हुए, अपनी तमाम रैलियों को रद्द करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली लौटे, एक हाई लेवल बैठक बुलाई और साथ ही साथ डीजी सीआरपीएफ को छत्तीसगढ़ जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ यहां पर दुख व्यक्त किया पूरे घटनाक्रम पर और इसी के साथ अब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जगदलपुर में, जहां पर शहीदों के जो पार्थिव शरीर यहां पर रखे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, यहां पर शहादत का बदला लिया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि शनिवार को नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 23 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जगदलपुर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर वो जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद सीआरपीएफ कैंप पहुंचेंगे। सीआरपीएफ कैंप में वे सीआरपीएफ के तमाम अधिकारियों और राज्य पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के पूरे इंतजामों को लेकर के वो जो है एक समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद जो आवश्यक निर्देश उनको देने हैं वो देंगे। वहां से वे रायपुर आएंगे और रायपुर में जो घायल जवान है उनसे मिल करके उनका हाल चाल जानेंगे और फिर देर शाम जो है वो वापस दिल्ली लौटेंगे। इस तरह जो पूरा दौरा आज अमित शाह का है वो पूरा छत्तीसगढ़ का ही है। लगभग 7:30-8 बजे के आसपास वो वापस दिल्ली पहुंचेंगे। जी। और नीरज, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हैं जहां पर जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर यहां पर रखा हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर मौजूद हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो क्या लगता है कि आज कोई बैठक होने वाली है छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल और अमित शाह के बीच, और कोई आगे की रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी? क्योंकि यहां पर जो नक्सली एरिया है लगातार नक्सली अपने पैर पसार रहे हैं, उसको अब रोकने के लिए, उनके कदम को थामने के लिए कोई बड़े कदम यहाँ पर उठाया जा सकता है अभी जल्द ही? जी बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी जगदलपुर में हैं और चूंकि थोड़ी देर बाद जो है वो सीआरपीएफ कैंप में एक आला अफसरों की जो बैठक होनी है उसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, तो बिल्कुल इस बैठक में जो है वो एक रणनीति नक्सलियों के खिलाफ फिर से बनाई जाएगी। कहाँ चूक हुआ, सुरक्षा बल से चूक हुआ, इंटेलिजेंस से चूक हुआ, इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जो है कड़े जो निर्देश है वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो दे सकते हैं। जी। और नीरज, यहाँ पर क्या सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है, कितनी संख्या अब तक यहाँ पर हो चुकी है? जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शहीदों की संख्या बड़ी है, क्या कोई नक्सली अभी तक कोई पकड़ में आया? देखिए, ये जो शनिवार को मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ के बाद लगभग 2000 जवान जो हमारे पहले 21 जवान लापता थे उनको पता लगाने के लिए जंगलों में गए थे और उसके बाद ही जो पहले तो 7 जवानों की शहादत की खबरें आई थी और उसके बाद जो है वो 21 जवान जो लापता थे उनके जब 100 बरामद हुए तो संख्या जो है वो बढ़कर 23 हो गई थी। जी। इसमें सुरक्षा बल के जो तमाम कर्मचारी हैं वो दिन भर सर्चिंग करते रहे। शनिवार को दिन भर सर्चिंग हुई, रविवार को दिन भर सर्चिंग हुई और उसके बाद जो पूरा एक आंकड़ा निकल के सामने आया उसमें 23 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और उसके अलावा जो जवान घायल हैं उनको एयरलिफ्ट कर रायपुर ही ले आया गया था। यहाँ पर एक बड़ी बात और है, मैं बताना चाहूंगा कि जो शहीद हुए हैं जवान बीजापुर मुठभेड़ में उसमें 7 जवान जो है वो बीजापुर से ही हैं, वहीं के स्थानीय रहवासी हैं वो। जी। और नीरज,
यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम शनिवार का है, नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और अन्य हथियारों से हमला किया गया था। मुख्य मास्टरमाइंड जिसका नाम सामने आ रहा है हिडमा, कौन है ये, क्या इसके बारे में आपको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ कौन कौन ऐसे नामचीन नक्सली हैं? जी देखिए, अभी तक जो इसमें नक्सली लीडर का नाम सामने आ रहा है वो सबसे बड़ा लीडर हिडमा ही है, क्योंकि जो मुठभेड़ हुआ, जहां पर मुठभेड़ हुआ वहां से हिडमा का जो गृहग्राम है वो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस समय मुठभेड़ चल रही थी उस समय अपने आला जो नक्सलियों के जो बल हैं उनको जो है वो हिडमा अपने गृहग्राम से ही निर्देशित करता रहा, और जो 600 जवान डोमिनेशन के लिए जो निकले हुए थे जिन पर घात लगाए, लगभग 400 नक्सली थे बताए जा रहे हैं जो घात लगाकर जवानों पर हमला किए, तो बिल्कुल इसमें हिडमा का ही हाथ माना जा रहा है और हिडमा की पतासाजी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल जी। और नीरज, दरअसल ये पूरा हमला ऐसे इलाके में किया गया जो घने जंगल और सुरक्षा बलों के शिविरों की कम संख्या की वजह से नक्सलियों को गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब वहां पर जो जवान हैं उनके शिविरों को और ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल असम दौरे पर थे, असम से जैसे ही वे वापस लौटे हैं रायपुर एयरपोर्ट पर जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने यही कहा कि जवानों की शहादत का बदला जो है वो नक्सलियों से लिया जाएगा, जवानों के जो कैंप हैं उसको और हाईटेक किए जाएंगे, बस्तर का जो इलाका है जिसको घोर नक्सल क्षेत्र माना जाता है वहां पर सूचना तंत्र को और मजबूत किया जाएगा, इंटेलिजेंस और बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल जी। नीरज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ अमित शाह नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर है जहां पर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर यहां पर रखे गए हैं। शोक का माहौल है और अब यहां पर जनता चाहती है कि शहादत का बदला लिया जाए। इस बीच यहां पर अब कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी यहां पर पूरे मसले पर ध्यान दे रही है, नजर बनाए हुए है और साफ तौर पर साफ कर दिया गया कि जो भी नक्सली हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और जो भी इस घटना के पीछे मुख्य नक्सली हैं उनसे जल्द से जल्द निपटा जाएगा, उन्हें ढेर किया जाएगा और शहादत का बदला लिया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अमित शाह के साथ यहां पर मौजूद हैं जो कि जगदलपुर में ये पार्थिव शरीर जो रखे गए हैं, परिवार में भी शोक की लहर है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये हमला किया गया था, घात लगाए बैठे थे नक्सली, चूंकि यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे थे वो घने जंगलों में ये जवान, और उसी दौरान कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई, उसके बाद ये पूरी घटना सामने आई जिसमें घात लगाकर हमला किया गया। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, आप सुन पा रहे हैं तो ये भी समझना चाहेंगे कि जो घना जंगल है उस एरिया में, घने जंगल में तलाशी करने के लिए जवान जा रहे थे और वहां पर काफी संख्या में ये नक्सली वहां पर मौजूद थे, क्या समझा जाए उन नक्सलियों को पहले से ये मालूम था कि ये पता चल चुका था कि वहां पर जवान सर्चिंग के लिए जाने वाले हैं, हमको तैयार रहना है हमला करने के लिए? जी देखिए बिल्कुल, जैसा कि बस्तर का जो एरिया है और वहां पर बीजापुर सुकमा का ये जो इलाका है यहाँ पर के जो जंगल हैं पहाड़ से भी घिरे हुए हैं और यहाँ पर आए दिन मतलब प्रतिदिन जो है वो सुरक्षा बल के जवान अलग अलग टुकड़ियों में जो है वो डोमिनेशन करते रहते हैं, इसकी भी तैयारी जो है डोमिनेशन की वैसे ही थी, क्योंकि इस बार सुरक्षा बल के जवानों की संख्या ज्यादा थी, नक्सलियों का जो सूचना तंत्र है वो जो है वो जवानों के कैंप से जवानों का जो है वो नजर रख रहे थे, और जैसे ही इस इलाके में जवान पहुंचे हैं तो घात लगाए जो नक्सली बैठे हुए थे पहले से जवानों का इंतजार कर रहे थे कि जवान यहाँ आएंगे और इन पर हम हमला करेंगे। यहाँ पर जो एक बड़ी बात क्या है, जो नक्सली हमला जो छत्तीसगढ़ में होता है इसमें नक्सली जो है वो पहाड़ों का और जंगल का फायदा उठाकर वहां पर अपना बंकर बनाकर रखे रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा बल के जो जवान डोमिनेशन पर निकलते हैं तो वो सड़क पर ही डोमिनेट करते हैं, सड़क पर ही वो अपने जवानों के साथ हथियार बंद होकर वो जो है निगरानी करते रहते हैं, तो जो नक्सली छुपे हुए होते हैं अंदर
जंगलों में, पहाड़ों के बीच में, उसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा बल के जवानों को नहीं मिल पाती और उसी का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। इससे आज से ठीक 10 दिन पहले भी एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें भी हमारे जवान शहीद हुए थे, कुछ जवान घायल भी हुए थे, उनको भी एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया था और उसी के बाद से जो है वो नक्सली ज्यादा संख्या में जवानों को नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहे थे जी। लेकिन कहा जा रहा है कि जब ये गोलीबारी वहां पर हो रही थी दोनों तरफ से और जवाबी फायरिंग की जा रही थी जवानों की ओर से, और उस वक्त भारी गोलीबारी की वजह से मदद के लिए समय पर हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाया था। जी बिल्कुल ऐसा ही हो पाता है, बीजापुर के बस्तर के जंगलों में जब मुठभेड़ चलती है तो क्योंकि पुलिस का सुरक्षा बल के जवानों का जो एरिया होता है वो समतल होता है, नक्सली जो होते हैं वो पहाड़ों में और जंगलों में छिपे होते हैं, तो वहां पर जो भी रेस्क्यू के लिए या तो सुरक्षा बल की गाड़ियां आती है या हेलीकॉप्टर वगैरह आता है तो उस पर भी नक्सली जो है वो हमला कर सकते हैं, तो इसी वजह से हेलीकॉप्टर वगैरह भी नहीं उतार पाया जी। जी नीरज, अब इस बीच यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब 2008 से लगातार हम हमले देख रहे हैं, इस तरह की मुठभेड़ हम देख रहे हैं और 2013 में भी, 2008 के बाद 2013, 2010, 2017 इसके साथ यहाँ पर हमने इससे पहले भी तमाम मुठभेड़ें देखी और सबसे ज़्यादा 2010 में हमने जब देखा कि 76 से ज़्यादा जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आखिर इतने वर्षों में हम सबक क्यों नहीं ले पाए, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि अब हमें जड़ से सफाया करना है नक्सलियों का, आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है और इसके बावजूद भी यहां पर कह सकते हैं कि सहम मिल रही है लगातार नक्सलियों को, उनके पैर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो डर की बजाय और ज्यादा मतलब कि और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं वो। जी बिल्कुल, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ही 2000 में हुआ और उसके पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का यह हिस्सा हुआ करता था, तो इस कारण सरकार और प्रशासन बहुत ज्यादा बस्तर के क्षेत्र में अपना ध्यान नहीं रख पाती थी, उसके कारण तो एक नक्सलियों ने अपना गढ़ बना लिया छत्तीसगढ़ के बस्तर के क्षेत्र को। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, राज्य बनने के बाद प्राथमिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी बस्तर के इलाके में या नक्सल जो एरिया है वहां पर, तो वो चूंकि नया राज्य था, बजट वगैरह की भी कमी थी, उसके चलते वो नहीं हो पाया। उसके बाद जब सरकारें बदलती गई, बजट भी बढ़ता गया, तो जो 15 साल तक भाजपा की सरकार रही छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने बस्तर को जो है वो सड़कों का जाल बना दिया, मतलब कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा दे दी वहां पर बस्तर में कि बस्तर से जो राजधानी है वो महज ही 5 से 6 घंटों की के समय में पहुंचा जा सकता है। एक नक्सलियों को जो तकलीफ हुई वो इस कनेक्टिविटी की भी हुई, क्योंकि बस्तर में पहले कनेक्टिविटी की कमी थी, मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, टेलीफोन नहीं चलते थे, इंटरनेट नहीं चलते थे, लोगों को पहुंचने में लंबा समय लगता था, करीबन 12 से 15 घंटे बस्तर पहुंचने में लोगों को लगते थे, वो समय जो है जस्ट आधा हो गया, टेलीफोन की कनेक्टिविटी आ गई, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच गई, तो इसका भी सूचना तंत्र जो वहां पर मजबूत हुआ है सरकार के विकास कार्यों से, तो उसका भी जो है नक्सलियों को तकलीफ हुआ है और उसी के चलते नक्सली जो है आए दिन जवानों पर उसका भड़ास अपना निकालते रहते हैं। यानी कि नीरज, इस बात से समझा जा सकता है कि ये जो नक्सली हैं वो नहीं चाहते कि उनके एरिया में विकास हो और हमको दिक्कत हो, लेकिन इस बीच हम नीरज तस्वीरें भी देख रहे हैं, यहाँ पर आंखों को नम कर देने वाला वो मंजर जब हमारे सामने जो 22 से ज्यादा जवानों के पार्थिव शरीर यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि बलिदान उन्होंने दिया है, शहादत इनकी यहाँ पर हमेशा याद रखी जाएगी, लेकिन इस बीच यहाँ पर क्या आपने बताया कि कुछ जवान जो कि वो लोकल के ही हैं, बीजापुर के ही हैं, क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यहाँ पर कोई आर्थिक मदद की जाएगी, कोई इसका ऐलान यहाँ पर किया गया है? देखिए अभी तक तो इस प्रकार की औपचारिक ऐलान अभी तक तो नहीं हो पाया है, हालांकि मुख्यमंत्री अभी जगदलपुर में ही हैं, गृह मंत्री भी हैं, अभी श्रद्धांजलि सभा भी है, श्रद्धांजलि सभा के बाद हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो इतने ज्यादा जवानों ने अपनी शहादत दी, ये कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, क्या अब क्योंकि अब उनके पार्थिव शरीरों को उनके गृहग्राम भी भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें 3 बटालियन के जो जवान थे जो नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, उसमें सीआरपीएफ के जवान थे, टीआरजी के थे और छत्तीसगढ़ पुलिस के थे। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो
बीजापुर के ही वो 7 जवान थे, और उसके अलावा उत्तराखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, असम के भी कुछ जवान थे। तो उनके शरीर को श्रद्धांजलि सभा चूंकि अभी हो जाएगी, उसके बाद उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। मैं आपको एक बड़ी बात और बताना चाहूंगा कि जो मुठभेड़ हुई उसमें एक जांजगीर चांपा के रहने वाले सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुए। सब इंस्पेक्टर के शहीद होने की खबर जब उनके परिजनों को दी गई तो उनके पिताजी को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका जो लाल है वो वीरगति को प्राप्त कर चुका है, और उसको उसकी शिनाख्ती के लिए वो जांजगीर चांपा से मतलब 700 किलोमीटर का सफर करके वो राजधानी तक पहुंचे, और जब उन्होंने उनका शव देखा, शव देखने के बाद उनको विश्वास हुआ कि अब उनका जो सुपुत्र है वो वीरगति को प्राप्त कर लिया है। जी वाकई में नीरज भावुक कर देने वाली ये बात है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि यहाँ पर जल्द से जल्द शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। और चूंकि नीरज जो कि डीजी सीआरपीएफ हैं वो भी अब छत्तीसगढ़ में ही हैं, जो कि निर्देश दिया गया था उसके बाद पहुंच चुके हैं, तो आगे की कोई ठोस प्लानिंग बनाई है क्या, कोई जानकारी इसको लेकर सामने आई है कि अब क्या किया जाएगा आगे, इसको लेकर कोई प्लानिंग? देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि डीजी सीआरपीएफ वो कल से ही बस्तर पहुंच चुके हैं, जगदलपुर में हैं, और लगातार अपने अधिकारियों और जवानों से जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। अभी तक जो उनकी प्लानिंग है वो जल्द प्लानिंग चल तो रही है, लेकिन प्लानिंग बनाई क्या गई है, किस तरह से कार्रवाई होगी, किस तरह से नक्सलियों से बदला लिया जाएगा, इसकी जानकारी जो है अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। और सुरक्षा के लिहाज से ये यदि अंडरग्राउंड भी रहे ये प्लानिंग और इसका बदला सुरक्षा बल के जवान लेते हैं तो इसमें भी अच्छा निर्णय होगा एक। जी जी नीरज, जिस जगह मुठभेड़ हुई वहां पर कौन कौन से गांव हैं, क्या उन गांवों को खाली करा लिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में काफी देर तक मुठभेड़ चली है, तो जाहिर तौर पर गांव वालों को सुरक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है, क्या गांव वालों को वहां से अलग किया गया है? देखिए जहाँ पर मुठभेड़ चल रही थी तरेराम के जंगल में, तरेराम के जंगल के बाद जो गांव है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और वो गांव बेसिकली हिड़मा के गांव के नाम से जाना जाता है। अब हिड़मा के गांव के होने की वजह से भी एक तो उस तरफ नक्सलियों की मूवमेंट ज्यादा रहती है, और उसके साथ ही जो फायरिंग हो रही थी इसकी खबर पहले ही गाँव वालों को पता चल जाती है कि यहाँ फायरिंग हो रही है और उधर हमको नहीं जाना है, तो इस तरह से भी गांव वाले जो है अपने स्तर अपने उस पर ही वो हो जाते हैं और अपने घरों पर सुरक्षित हो जाते हैं। जी जी नीरज, जैसे कि हमने देखा इससे पहले जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, इस बीच यहाँ पर नक्सलियों के लिए विशेष योजनाएं भी चलाई गई थी कि जो नक्सली इस राह को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, समाज में लौटना चाहते हैं, वो आत्मसमर्पण करें। और हमने देखा भी पिछले काफी दिनों में काफी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन क्या वो अभी चीजें देखने को मिल रही है, क्या नक्सली अभी भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं? कि जब से कांग्रेस की सरकार रही है आपने देखा कि कितने नक्सली जो कि आत्मसमर्पण कर चुके हैं, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने नक्सलियों के उन्मूलन के लिए ही एक योजना शुरू कर दी थी, जिसमें नक्सली जब अपनी नक्सलिज्म विचारधारा को छोड़ करके जब मुख्य धारा से जुड़ते थे तो उनको रहने का खाने का व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से होता था, उनको नौकरी भी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यहाँ तक कि बस्तर में सहायक आरक्षक का एक पोस्ट क्रिएट किया गया था जो पुलिस के साथ काम करता था, और उसमें उनको प्राथमिकता दी गई थी कि जो मुख्य धारा में आएंगे नक्सली उनको ही इस पोस्ट पर भर्ती देना है। जी उसके बाद जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में तो इस जो आत्मसमर्पण का जो दौर है वो एक तरह से थमा सा दिख रहा है। जो नक्सली पहले दर्जनों की संख्या में सैकड़ों नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण करते थे, वह कुछ ही 2, 4, 8, 10 मतलब चुनिंदा नक्सली जो है वो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ये एक फर्क पड़ा है। जी यानी कि जितना कह सकते हैं कि जितना रमन सिंह की सरकार में आत्मसमर्पण की ओर लोगों ने कदम बढ़ाया है नक्सलियों ने, उतना ध्यान भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलियों की ओर से उतना कह सकते हैं कि विश्वास नहीं जीत पाए हैं, और यही वजह है कि जो नक्सली हैं वो अब आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी मुख्यधारा में रहना चाहते हैं जो कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो जिसकी वो लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तो ये भी हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो डेवलपमेंट का काम बस्तर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया था और उसके चलते जो जिन नक्सलियों को लगता था कि हमारी लड़ाई डेवलपमेंट की है, विकास की है, उस विचारधारा के जो नक्सली थे वो मुख्य धारा में आते थे,
और अभी फिलहाल जब से 2 साल हो गए, लगभग 2.5 साल हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, तो डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है वो उस गति से नहीं चल पा रहा है जिस गति से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में चला करता था। नीरज, यहाँ पर अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ में ही हैं, जगदलपुर में, क्या उनका इसके बाद कोई बयान आया है क्या सामने? जी देखिए, छत्तीसगढ़ अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं तो वो सीधे जगदलपुर एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं और जगदलपुर एयरपोर्ट से सीधे वो पुलिस लाइन गए हैं। अभी उनसे कोई बयान अभी तक तो सामने नहीं आ पाया है, अभी वो यहाँ से सीआरपीएफ कैंप जाएंगे, सीआरपीएफ कैंप में उनके बयान के सामने आने की संभावना है। जी नीरज, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।